विशेष योगदान है उस पर भी बैठकर यहाँ पर चर्चा होगी। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, आगे हम चर्चा करें। दीप प्रज्वलन की कार्रवाई के लिए मैं अनुरोध करूंगा अपने जनपद के बहुत ही ओजस्वी रिलीफिंग ऑफिसर भाई साहब से लगातार दो साल से संपर्क रहा है और भाई साहब की जो बिल्कुल इजी गोइंग जो लाइफ स्टाइल है, हमेशा हंसते रहना है, कोई भी काम करते हैं किसी काम के लिए आज तक मना नहीं किया। तो मैं सोचता रहता था कि ऐसी जो पर्सनैलिटी डेवलप हुई है भाई साहब की, उसका रीजन क्या है। एक दिन मुझे मौका मिला भाई साहब से बैठने का, उस समय उनके कैंप ऑफिस में, तो भाई साहब ने मुझे 1902 से लेकर 2022 तक का एक पूरा अपना वृतांत बताया और मैं चाहता था कि मैं उसको किसी तरह, अगर मैं एक्सपर्ट होता तो मैं उसको कभी ना कहीं जरूर लिखता बुक के माध्यम से, लेकिन मैं इतना लिख नहीं पाता तो मन मन में चलता रहता है। तो भाई साहब जैसा सौम्य व्यक्ति, दो साल से हम लोग भाई साहब का कार्य कर रहे हैं, आज तक हमें नहीं मिला, और इतना इंडस्ट्रीज के लिए सोचने वाला अधिकारी, मुझे लगता है कि 4-5 बैठक तो महीने में इंडस्ट्री के साथ भाई साहब की हो जाती है। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, मातृशक्ति फीड सप्लीमेंट, एक बहुत ऐसा एक पॉइंट रहा है हम लोग नहीं जानते थे। हम लोग यहाँ पर जब भी हमने काम किया, संगठन में काम करना शुरू किया, तो केवल एक ODOP का नाम आता था और वुडन में आकर ही खत्म हो जाता था। उसके बाद फिर होजरी आने लगी, किसी भी बैठक में लगातार हम लोग देख रहे थे होजरी और वुडन से हम लोग आगे नहीं बढ़े। हमारे महावीर सैनी जी से हमने जब मेंबरशिप ली उन्होंने, और हमने उनके साथ बैठे और हमने उनकी मार्केट को एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो हमें पता लगा कि फीड सप्लीमेंट की 300 से 400 यूनिट्स यहाँ पर हैं। धन्यवाद देता हूँ। निर्यात प्रोत्साहन को लेकर आज इस बैठक में मौजूद लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष श्री अनुपम गुप्ता जी, यहाँ के निर्यातक बंधु, पत्रकार बंधु, सर्वप्रथम मैं आज इस बहुत ही अच्छे प्रोग्राम के लिए लघु उद्योग भारती का के प्रति, उनके जो भी पदाधिकारी हैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और जो ECGC और पंजाब नेशनल बैंक की जो पूरी टीम यहाँ पर आई है, जिन्होंने जनपद सहारनपुर में जो निर्यात है, निर्यात में जो समस्याएं हैं उसको कैसे उसको जो उनके रिस्क हैं उनको कैसे हम लोग कवर कर सकते हैं, इसके संबंध में जो अपना सुझाव दिए हैं, जो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, इनसे निर्यातक हैं वो तो लाभान्वित रहेंगे ही। मुझे भी काफ़ी कुछ इस यहाँ पर जानकारी जो है प्राप्त करने का मौका मिला है, मैं उन सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले 2-3 वर्ष में कोरोना महामारी रही है, कोरोना महामारी में पूरा मार्केट में एक मंदी का दौर रहा है और जो रोजगार है वो भी बहुत ही बुरी तरह जो है प्रभावित हुआ है। ऐसी स्थिति में वर्तमान सरकार, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, हम लोगों की जो प्राथमिकता है किस तरह यहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ें, और रोजगार की दिशा में जनपद सहारनपुर में यदि हम लोग देखते हैं तो पहले हम लोग ODOP के रूप में वुड कार्विंग इंडस्ट्री है, होजरी है, परंतु इसके साथ साथ यहाँ पर जैसा कि मुझको बताया गया है और कुछ जो है पिछले दिनों में मुझे जानकारी रही है कि यहाँ पर जो एनिमल फीड सप्लीमेंट है वो भी काफ़ी
काफी बड़ी संख्या में कभी काफी बड़ी मात्रा में उसको हम लोग यहाँ से निर्यात करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वहाँ यहाँ पर जो है निर्यातक हैं। हम लोग यहाँ पर प्रति माह जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति की जो बैठक कर रहे हैं उसमें जो है निर्यात कैसे बढ़ावा दें इस पर जो है सारे सुझाव जो भी यहाँ पर सुझाव हम लोग प्राप्त करते हैं उसमें जो जिला स्तर की समस्याएं हैं जिला स्तर की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और जो भी यहाँ पर आप लोगों के सुझाव हैं निर्यात की बेहतरी के लिए उसको चाहे प्रदेश सरकार के स्तर पर हो चाहे भारत सरकार के स्तर पर हो जो भी संस्थाएं हैं उनके संज्ञान में लाकर किस तरह से हम यहाँ पर इंडस्ट्री को बढ़ा सकते हैं इसके लिए हम लोग निरंतर जो है प्रयासरत हैं।